नमस्कार फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका विकास जी चैनल पर। और आज मैं आपके लिए करंट का एक वीडियो लेके आया हूँ, करंट जीके का। 12 जुलाई 2018 आज का डेट है और उसी के संबंधित हम पिछले दिनों में कुछ हुई घटना, कुछ कल के रूप में और कुछ पिछले दिनों में हुई जो घटनाएं हैं नई नई, उनके बारे में हम बात करेंगे। जो कि आपके आने वाली जितनी भी कॉम्पिटिशन के एग्जाम्स हैं, UPSC, SSC, रेलवे, LDC सभी में लाभकारी हैं। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें और साथ के साथ नोट डाउन करते चलें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 12 जुलाई 2018 आज की डेट में जो सबसे पहली घटना के बारे में अगर बात करें तो विश्व जनसंख्या दिवस कल ही गया है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व पॉपुलेशन जो डे है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वो किस डेट को मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, टू क्लासिकल प्लेज फ्रॉम इंडिया पुस्तक के लेखक है, तो पुस्तक के लेखक है डॉक्टर डीपी सिन्हा। मैं आपको बता दूं, डॉक्टर डीपी सिन्हा बहुत बड़े लेखक हैं, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स उन्होंने लिखी है। लेकिन हाल ही में उनकी नई बुक लिखी आई है, टू क्लासिकल प्लेज फ्रॉम इंडिया, तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, 10वीं दिल्ली वार्ता, तो 10वीं दिल्ली की जो वार्ता हुई है, जो बातचीत हुई है, वो भारत व आसियान देशों के मध्य हुई है। इंडिया जो सरकार है उसकी तरफ से प्रतिनिधि और आसियान देशों के प्रतिनिधियों के मध्य में 10वीं दिल्ली वार्ता हुई है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, भारत कोरिया टेक्नोलॉजी सेंटर, तो देखिए नई दिल्ली में उसका अभी हाल फिलहाल नया ही उद्घाटन हुआ है, ठीक है। जो नया संस्करण निकला है भारत कोरिया टेक्नोलॉजी सेंटर का, ये नई दिल्ली में उसका शुभारंभ हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रवासी भारतीय दिवस, तो प्रवासी भारतीय दिवस, जो बाहर रहते हैं आपको पता होगा, जो विदेशों में रहते हैं भारत के लोग, तो उनके लिए पहला प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो जनवरी 2019 में वाराणसी में मनाया जाएगा। इससे पहले भी हो चुके हैं लेकिन इस बार का जो पहला है वो जनवरी 2019 में वाराणसी में होगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वैश्विक नवाचार रैंकिंग। वैश्विक नवाचार रैंकिंग का मतलब है जो कि नए नए जो काम करते हैं, नया कोई भी विकास करते हैं, उसकी रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पर स्विट्जरलैंड देश है। और अगर हमारे इंडिया की बात की जाए तो इंडिया का नंबर है 57वां। किसका नंबर है? 57वां भारत का, यानी थोड़ा पीछे है लेकिन फिर भी पास्ट को देखते हुए ये बहुत अच्छी रैंकिंग है। अभी हाल फिलहाल में पहला जो है वो स्विट्जरलैंड को विश्व नवाचार रैंकिंग में, और 57वीं जो रैंकिंग है वो हमारी भारत को मिली है। तो आप पहला भी ध्यान रखें और अपने इंडिया का भी ध्यान रखें। उसके बाद में जो खाने होती हैं तथा खानों से जो खनिज निकाला जाता है, उसमें 3 राष्ट्रीय सम्मेलन ऑलरेडी हो चुके हैं लेकिन चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो हुआ है इंदौर में। कहाँ हुआ है? इंदौर में होगा। उसके बाद में पहला भारतीय पर्यटन माल्ट, तो देखिए जो टूरिस्ट है, इंडिया के टूरिस्टों का जो माल्ट है, जो एक तरीके से हम मेला कह सकते हैं, वो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, तो इसको भी हमको ध्यान रखना है। उसके बाद में दुनिया के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर चढ़ने वाले दूसरे भारतीय, तो मैं आपको बता दूं दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है उस पर जो सेकंड इंडियन रखा है वो है सत्यरूप सिद्धांत, और इसके पास इससे जो पहले हैं उनका जो नाम है, फर्स्ट भारतीय जो है उनका नाम है मल्ली सुल्तान। क्या नाम है? मल्ली सुल्तान नाम है फर्स्ट का, लेकिन जो सेकंड चढ़े हैं उनका नाम है सत्यरूप सिद्धांत, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप अभी 2018 में हुई है, हाल फिलहाल हुई है कुछ टाइम पहले ताशकंद में, और आयोजन स्थल कहाँ रहा है इसका? ताशकंद में हुआ है। और इस जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में जिली दल बेहरा ने हमारे लिए कांस्य पदक जीता है। स्वर्ण तो नहीं जीत पाए हैं, भारोत्तोलन समझते हैं ना आप, जो वेट उठाते हैं, जैसे अपने यहाँ पे कर्ण मल्लेश्वरी रही है एक लेडीज भारोत्तोलन के लिए, ठीक है। तो इंडिया में भारोत्तोलन का नाम रहा है लेकिन स्वर्ण पदक से बहुत दूर ही इंडिया रहता है, कभी कभार ही जीत पाया है, लेकिन जो ये जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप है वो उसमें कांस्य पदक जीता है जिली दल बेहरा ने, और आयोजन स्थल कहाँ है? अपना ताशकंद में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो है अपना इस वीडियो का, जो कि हाल फिलहाल चल रहा है, आप सब देख रहे होंगे, फीफा वर्ल्ड कप 2018, तो देखिए फीफा वर्ल्ड कप 2018 का बिल्कुल समाप्ति के दौर पर आ चुका है, और इसकी पहली टीम जो है अभी 2 दिन पहले ही हुआ है, पहली टीम जो है फाइनलिस्ट वो है फ्रांस। इसने सेमीफाइनल में बेल्जियम को 1-0 से हराया है। बेल्जियम के भी बहुत अच्छे चांस थे पर फ्रांस में अनुभवी खिलाड़ियों की संख्या अधिक होने के कारण, उनके बेहतरीन खेल के कारण जो फर्स्ट फाइनलिस्ट बनी है इस बार की वो बनी है फ्रांस, ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड नंबर से आई है, जो कल रात ही जीती है, उसका नाम है क्रोएशिया, और ये क्रोएशिया जो है
वो सेकंड फाइनलिस्ट है, इसने हराया है इंग्लैंड को। मैं आपको बता दूं एक्स्ट्रा टाइम में 2-1 से क्रोएशिया ने इंग्लैंड को हराया है। इंग्लैंड के भी बहुत अच्छे चांस थे, इंग्लैंड के जो खिलाड़ी हैं हेनरी केन वो सबसे आगे गोल्डन बूट के दावेदार चल रहे थे, लेकिन क्रोएशिया ने एंड वक्त पर आकर सेमीफाइनल में इंग्लैंड को मात देते हुए फाइनल में जगह बनाई। अब 2 दिन बाद में फ्रांस और क्रोएशिया का फाइनल होगा और जितने भी लोग हैं वो दावेदार फ्रांस को मान रहे हैं, लेकिन आपको भी पता है खेल सस्पेंस का जो है, जैसे क्रिकेट होता है वैसे ही जो फुटबॉल है उसमें भी अनिश्चितताएं भरी हुई है, तो कोई भी जीत सकता है। जैसे ही विजेता घोषित होंगे मैच होगा, मैं फीफा वर्ल्ड कप के लिए भी एक अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आज तो आप इनको फेरिए और अपना कॉपी में इनको पूरे को नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को आप बहुत पूरा ध्यान से देखा होगा, तो इन क्वेश्चंस जो है उनको आगामी एग्जामों के लिए आपको इंपॉर्टेंट मानना है और अपने दिमाग में पक्का करना है, ठीक है। तो ऐसी वीडियोस के साथ रोज अपन मिलते रहेंगे। थैंक यू।